दोस्त, रात में स्त्री के साथ चुपके से एक काम करने से व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अगर बनना है सफल तो इसे रोज रात में पत्नी के साथ करना चाहिए और कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें रात में स्त्री के साथ करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी चाणक्य जी द्वारा बताए गए उन कार्यों को रात में अपनी स्त्री के साथ करते हैं तो आप भी बहुत ही जल्द पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि पत्नी के साथ यह एक काम रात में करने पर कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आप उल्टा बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना गया है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा भी की जाती है। ऐसे के साथ जो व्यक्ति रात को सोते समय स्त्री से प्यार करता है और झगड़ा बिल्कुल नहीं करता, तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत जल्द खुशियों से भर जाता है। ऐसे लोगों पर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, रात में कुछ कार्यों को करने को स्पष्ट मना किया गया है। इनमें पत्नी के साथ संभोग करना भी शामिल है। शास्त्रों के अनुसार हर कार्य को करने का एक नियत समय है। दिन में जहाँ सभी आवश्यक कार्य किए जा सकते हैं, वहीं रात में कुछ कार्यों का करना स्पष्ट मना किया गया है। आइए जान लेते हैं रात में कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रात में इत्र या सेंट लगाकर सोते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी तरह की तेज खुशबू परलौकिक शक्तियों को आकर्षित करती है, इसलिए रात को सोने से पहले हाथ पांव और चेहरा धोकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इससे बुरे सपने नहीं आते। खुले बाल नहीं सोना चाहिए। रात में महिलाओं को, लड़कियों को खुले बाल छोड़कर नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि रात में खुले बाल सोने पर नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। तीसरी चीज है कि आधी रात के बाद शारीरिक संबंध न बनाएं। शास्त्रों के अनुसार 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। ऐसे समय पर व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं, इसलिए मध्य रात्रि के एक प्रहर बाद ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को भगवान की आरती व पूजा पाठ करना चाहिए। इस समय भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इससे व्यक्ति का बड़ा वक्त आरंभ हो जाता है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त के एक प्रहर पहले अर्थात सुबह 3 बजे से पहले का ही ठीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी पति पत्नी को रात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।